वेलकम टू एन अकेडमी इन वाईफाई स्टडी गाइस। एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। आ रही है परफेक्ट। ठीक है तो सारे बच्चे ज्वाइन कर लो गाइस, 30 मिनट का 20-25 मिनट का सेशन है। ठीक है सारे बच्चे ज्वाइन कर लिया सबने। ओके बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग जी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर करेंगे, जो कि टॉपिक अपना 21 है, क्योंकि हमने 40 टॉपिक है जो कि हमने करने का सोचा था, इसमें से 21 वा है ये टॉपिक। हम इसको आज कवर करेंगे। ठीक है गाइज, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया। अरे ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे जो टॉपिक हो चुके हैं गाइस, वो ये सारे टॉपिक है जो कि हम लोग कंप्लीट हो कर चुके हैं पहली बात तो। और उसके बाद में ये सारे टॉपिक भी हम लोग कर चुके हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20वां भी, ये सब हम लोग कंप्लीट है जो कि कर चुके हैं। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। अब 20 के बाद में हम लोग 21 वाला टॉपिक करेंगे जो कि अपना बाउंड्री लाइंस। ठीक है, तो बाउंड्री लाइंस कवर कर लेंगे और साथ में लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, ये दोनों टॉपिक है जो कि हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेजरली बाउंड्री लाइंस तो आज हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है आठ बजे वाले सेशन में 113 और 16 का गलत पीडीएफ अपलोड किए हो, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बाउंड्री लाइन से जो कि आज कवर करने वाले हैं, 21वां टॉपिक है आज का हमारा जो कि हम लोग कवर करेंगे बेसिकली। तो एक बार सारे बच्चे जो है वो तैयार हो जाओ बढ़िया एकदम, मैं पीडीएफ लगा देता हूँ आपके टॉपिक की। बाउंड्री लाइन्स की तो मेरे पास पीडीएफ है भी नहीं शायद, बाउंड्री लाइंस की कोई टॉपिक वो नहीं है पीडीएफ, वो सिंपल टॉपिक है वैसे। ठीक है
है, जरूरत नहीं है बाउंड्री लाइंस की टॉपिक के लिए पीडीएफ की, हम लोग वैसे ही कवर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से टॉपिक है, और कई सारे पैरेलल लाइन वाले जो है ना, वो मेजरली आपके पेपर में पूछी जाती है। समझिए मेरी बात, कई सारे पैरेलल लाइंस है वो आपके पेपर में मेजरली पूछी जाती है। मैं आपको वन बाय वन करके करवा देता हूँ पहले, उसके बाद में फिर हम लोग रिविजन भी करेंगे, उसके हम लोग बाद में रिविजन करेंगे। तो इसी क्लास के अंदर आपका पूरा टॉपिक है जो कि ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, 17 पैरेलल, 17th पैरेलल, कौन बताएगा? किसी को याद है 17th पैरेलल? हाँ, संडे की छुट्टी होती है पार्वती, बिल्कुल सही है। देखो, होने में तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है ये, लेकिन आज के टाइम पे तो वियतनाम एक ही है। समझ गए मेरी बात? आज के टाइम पे तो वियतनाम एक ही है। 1976 में क्या हो गया था? दोनों का यूनिफिकेशन है जो कि हो गया था। हाँ बिल्कुल दीपक, आपके सीडीएस एग्जाम, आपके पुलिस के एग्जाम, एसएससी के, रेलवे के, इन सभी के लिए ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से। ये टॉपिक अगर आपको बेसिक ही नहीं पता हो तो होगा तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के करोगे क्या? समझ गए? अगर आपको यही नहीं पता कि यार 24वीं पैरेलल कहाँ पर है, तो फिर कैसे आप, क्या है मतलब है ज्योग्राफी पढ़ने का? समझ गए? इसलिए पहले स्टैटिक जीके के जो टॉपिक है वो पढ़ो, है ना। चलिए साथ में गाइज, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो अनअकैडमी के ऊपर प्लस पे 25th फर्स्ट से मैं इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अंदर मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके, ये सब मैं कंप्लीट है जो कि फाउंडेशन बैच में करा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 450 रुपये पर मंथ में। रेफरल कोड आपको मालूम है, BHU10 आपको यूज करना है, ठीक है। 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है इकोनॉमिक्स। चलिए ठीक है गाइज, चलिए तो 17th पैरेलल तो हो चुका है, आगे बात करते हैं 17th के बाद में। हाँ नेक्स्ट कौन सी होगा? 20th पैरेलल। ट्वेंटी पैरेलल किसके बीच में है? एक तो है आपका लीबिया और एक है आपका सूडान। लीबिया और सूडान के बीच में है 20th, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्चुअली के अंदर 20th जो है ना, वो 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है, इसीलिए हमने इसका नाम 20th पैरेलल है जो कि रख दिया है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। मतलब इसको 20th अपन ये बोल सकते हैं, 20th नॉर्दर्न लैटिट्यूड के ऊपर। उसके बाद में बहुत ही सिंपल आता है एक और, उसके बाद में 20th के बाद में 22 पैरेलल भी आता है, ये भी दोस्तों इसके अंदर एक कंट्री कॉमन है जो कि सूडान, इस बार आ जाएगा लीबिया की जगह इजिप्ट। ये इजिप्ट और सूडान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 20 तो हो गया लीबिया सूडान, फिर हो गया इजिप्ट सूडान, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस से रिपीट करते हैं, 17th कौन सा था जल्दी बताओ? 17th मैं आपको इसी क्लास में याद करवा दूंगा, चिंता मत करो, वियतनाम था। 20 कौन सा था? 20 बताओ, 20, 20 बताओ। हाँ लीबिया और सूडान, और 22, 22 इजिप्ट और सूडान। हाँ
ठीक है, अब आ जाएंगे अपन 25 के ऊपर। ट्वेंटी फाइव, मॉरिटाना एंड माली अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, मॉरिटाना एंड माली नाम से कंट्री है। ओके ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर आती है उसके बाद में 31 पैरेलल, बिल्कुल सही जवाब दिया एक बच्चे ने, इराक और ईरान, ईरान एंड इराक आपका सही जवाब होगा। ओके, इसी प्रकार से 24th पैरेलल किसके बीच में है? 25 से पहले एक और बता दो मुझे। ठीक है, 24th पैरेलल कोई बाउंड्री है? इंडिया पाक यार वो बहुत ही आर्टिफिशियली बोली जाती है, एक्चुअली के अंदर ऐसा है नहीं। रन ऑफ कच्चे वाली जो है ना, देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, थ्योरेटिकली 24th पैरेलल को रिकग्नाइज बाउंड्री नहीं है। रन ऑफ कच्चे वाला जो एरिया है उसका डिमार्केशन बोलते हैं इंडिया पाक का 24th मानते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बात करो तो वो कोई है ही नहीं, ये पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है। ओके, ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान है, ये वाली लाइन हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि तो वो अपने हिसाब से एरिया है, इसके अंदर पैरेलल का मतलब कुछ नहीं होता, लाइन होती है। पैरेलल का मतलब कुछ नहीं होता, लाइन होती है, इसीलिए हम लोग 24th पैरेलल नहीं पढ़ते। हम लोग पढ़ते हैं ठीक है 17, 20, 22, सीधे 25 के ऊपर आते हैं, 31 के ऊपर आते हैं। चलो अब आ जाओ, 25 के बाद 31 हो गया, 38। थर्टी एट बिल्कुल सही जवाब है, 38 कोरिया। कोरिया से याद कर लो, अब ऑब्वियसली वो तो नॉर्थ के बीच में हुआ होगा और साउथ के बीच में हुआ होगा, बाकी आप कोरिया भी याद करोगे तो सफिशियंट है। उसी प्रकार से 49 पैरेलल भी है जो कि यूएसए कनाडा माना जाता है। ठीक है, ओरेगॉन ट्रीटी हुई थी, एक ओरेगॉन ट्रीटी हुई थी 1846 के टाइम पे, और उसके द्वारा यूएसए और कनाडा के बीच में एक लाइन आ गई। सबसे बड़ी बाउंड्री मानी जाती है यूएस कनाडा वाली। चलो सारे पैरेलल हो चुके हैं, अब आ जाओ रिवीजन के ऊपर, जल्दी बताओ 17, 20, 22, 25, 31, 38, 49, वन बाय वन करके सारे आ जाओ। हाँ ये तो हो गया वियतनाम, अगला वाला लीबिया और सुडैन, बहुत अच्छी बात है। अगला वाला इजिप्ट और सुडैन, नेक्स्ट वाला 25, हाँ मॉरिटाना माली 31, इराक एंड ईरान 38, हाँ कोरिया 49, यूएस कनाडा, ये सारी बाउंड्री लाइंस हैं जहां पे
वर्ड है, यूज होता है, और एक सबको समझ आ गया क्या? यहां तक सबको यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज़राइल नहीं है, ईरान और इराक है। ईरान और इराक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, और भी कई सारी लाइंस होती है, डुरंड लाइन बताइए। हाँ इसके बीच में अंजलि, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर, डोंट वरी। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच में, ये प्रेजेंट के अंदर है। वैसे जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब ये 1818 के टाइम पे हुआ था, समझ गए? 1818 के टाइम पे दोस्तों, ये सॉरी 1818 नहीं था, 1893 था। 1893 के टाइम पे दोस्तों ये डिवीजन है जो कि किया गया था, एक डूरेंड करके एक पर्सन थे, सर मोर्टिमर डूरेंड, उन्होंने एक एग्रीमेंट है जो कि किया था। तो उस टाइम पे जब किया था तब ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन बीच में पाकिस्तान आ गया, इसलिए आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो चुका है। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बात करते हैं। डूरंड के बाद में हाइडेनबर्ग, हाइडेनबर्ग की बात करें तो बताइए। हाइडेनबर्ग ये पोलैंड और जर्मनी, बिल्कुल सही है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में हुआ था हाइडेनबर्ग। ओके, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ये हुई थी, जब ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्ल्ड वॉर वन के बाद में 1919 में, तब ये लाइन जो है वो वेस्ट हो गई थी, तब ये लाइन जो है वो क्या हो गई थी, इरेलीवेंट हो गई थी। लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए, हिडनबर्ग के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के बाद में इन दोनों के बीच में एक और लाइन बनी जिसका नाम है ऑर्डर नाइसी लाइन। ये भी सेम पोलैंड और जर्मनी के बीच में ही है, ये बाद में बनी है, ये वाली दो रिवर का नाम है ऑर्डर एंड नैसी, ठीक है। और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इसको 1990 में बनाया गया। तो ये प्रेजेंट में है, वो पहले वाली है एक्सबर्ग, समझ में आ गया क्या बात? पूरी की पूरी बात समझ आ गई क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 10 डिग्री चैनल और पैरेलल लाइन में क्या अंतर है? 10 डिग्री चैनल जो है वो समुद्र के बीच में है, पानी के बीच में होती है डिग्री वाली लाइंस, और जो ये पैरेलल लाइंस है वो जमीन के ऊपर होती है, दो जमीन को डिवाइड करती है पैरेलल लाइंस। जो डिग्री चैनल होते हैं वो समुद्र के वास्ते से जाते हैं वो, ठीक है उमेश।
ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पोलैंड जर्मनी वाला दोनों किस्सा हो चुका है। एडनबर्ग पहले थी, अभी ऑर्डर नेसी लाइन है। 1990 के पोट्सडम कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको किया गया था। उसी प्रकार से देखिए क्या है कि इंडिया, ये देखिए ये अपना जम्मू कश्मीर है और इधर से ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश और ये नेपाल आ गया, ये अपना लद्दाख है। तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच में जो ये वाली लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो इधर वाली है इसको अपन बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूं ना कि मैकमोहन लाइन जो है किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कहानी समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी प्रकार से एक और है मैगिनोट लाइन, मैगिनॉट। ये दो लाइन है दोस्तों, वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हाँ, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, समझ गए मेरी बात। और ये बिफोर वर्ल्ड वॉर टू थी, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ये लाइन क्या हो गई, इररेलीवेंट हो गई। क्योंकि फ्रांस ने काफी एरिया जर्मनी का ऑक्यूपाई कर लिया था, समझ गए मेरी बात। उसके बाद में इन्होंने दूसरी लाइन बनाई, उससे पहले एक और लाइन थी, बल्कि इनफैक्ट उसके बाद तो खैर कोई ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। उससे पहले एक और थी, उसका नाम था सिंगफ्रेड लाइन। ये लाइन भी दोस्तों फ्रांस और जर्मनी की है, ये लाइन भी फ्रांस और जर्मनी की है, और ये वर्ल्ड वॉर वन की बात में थी, ये बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन वाली तो हो गई सिंगफ्रेंड, और मैगिनोट हो गई वर्ल्ड वॉर टू वाली। कंट्री दोनों जो के सेम है, फ्रांस और जर्मनी। तो जैसे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में हेडनबर्ग और ऑडर है, उसी प्रकार से जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट और सिंगफ्रेंड है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से रेड क्लिफ है, रेड इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, दोनों बॉर्डर पे यही वाली है, चाहे फिर वो बांग्लादेश वाली हो चाहे फिर वो इंडिया पाकिस्तान की हो, एक ही आदमी था, सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दी थी। इसको आदमी को कुछ पता भी नहीं था, रेडक्लिफ को, है ना, इसको कुछ ज्यादा कोई ज्ञान नहीं था डिवीजन का। इसने तो बोला सीधे सीधे खेल दो, जाना तो सीधे सीधे एकदम, जिसके गांव जिसमें चल जाएगा उसमें चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया, इसने तो ना आप देखा ना ताव, बोला सीधे सीधे खेल दो, तुम्हें चलने दो ना सीधे सीधे, ऐसे करके इसने खेल दी। इसी प्रकार से एक और है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन किसके बीच में है, इसराइल और लेबनान। इसराइल और लेबनान के बीच में 2000 के टाइम पर इसको डिमार्केट करी गई थी, ब्लू लाइन नाम है इसका। उसी प्रकार से ग्रीन लाइन भी एक,
ग्रीन लाइन भी है जो कि साइप्रस और टर्की के बीच में है। ओके ठीक है, यहाँ तक याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा है, सबसे पहले ड्यूरेंड लाइन आपको मालूम ही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, और हिडनबर्ग हो गया और ऑर्डर हो गया जर्मनी पोलैंड, उसके बाद में मैकमोर अपनी इंडिया की हो गई, इंडिया चाइना, मैकिनॉट और सैंक फ्रांस जर्मनी हो गए, रेडक्लिफ इंडिया मालूम है, ब्लू और ग्रीन, ब्लू इसराइल लेबनान और ग्रीन आपकी साइप्रस और टर्की के बीच में। मैं टर्की नहीं गया हूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइन है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी होती है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कितनी लाइंस करी अभी ऑन एन एवरेज, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13, 14, 15 और 16। ठीक है, तो नियर बाय कोई 16 के आसपास लाइन्स है जो कि हमने डिस्कस करी है, और 16-17 के आसपास है, मतलब अगर आपने इतना कर लिया तो आपको एक भी नंबर आपका बाउंड्री लाइन्स में नहीं छूटने वाला है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एलओसी रेडक्लिफ ही है। हाँ हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं एलओसी को, वो रेडक्लिफ ही है एक तरीके से। एक्चुअली एलओसी जो है वो जम्मू कश्मीर वाली बॉर्डर है, रेडक्लिफ अपनी पीछे वाली जो है राजस्थान वाली गुजरात वाली उसको कहते हैं। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। कैबिनेट मिनिस्टर, हाँ यार साइंस सबको आपको याद तो करना ही चाहिए ना, कैबिनेट मिनिस्टर तो आपको पता होना चाहिए, देश के कल्चर मिनिस्टर कौन है, टूरिज्म कौन है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ये सब तो पता ही होना चाहिए यार, बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे कि मैं सेकंड गाइस मुझे पानी की बॉटल लेके आ रहा हूँ यार। ठीक कंटिन्यू करें, चलो ये हो गया हमारा द एंड 21st टॉपिक।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। और स्टार्ट करते हैं 22nd टॉपिक, जो कि कौन सा है? 19th बाकी नहीं है। अरे क्या बात कर दी तुमने यार, ऐसे कैसे बाकी है? ये देखो सब करवा चुका हूं, 19th क्लासिकल डांस, रीजनल डांस हो चुका है, बैंक वाला हो चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर हो चुका है, प्लस वालों का ही दिखता है। सबको दिखेगा भाई, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत बोलो, सबको पढ़ाया है। किस वाला हो गया पिछली वाली क्लास में? हार्ड इतने छुट्टी मत मारा करो बेटा। चलिए लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट है जो कि हम लोग कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग करने वाले लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट। किसके टर्म्स में? इंडिया का। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट चीज क्या है, लार्जेस्ट क्या है या फिर हाईएस्ट क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बिगेस्ट डैम, सबसे बड़ा डैम, हाईएस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, कौन सा है? भाखड़ा नांगल है ना। कौन सी नदी के ऊपर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज के ऊपर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टिहरी डैम है वो ग्रेविटी डैम है, जो टिहरी डैम है वो ग्रेविटी की डैम में आता है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर वो गंगा हो गई अपनी, जो कि इंडिया में फ्लो करती है। वैसे तो यार इंडस जो है वो सबसे ज्यादा लंबी है, फिर ब्रह्मपुत्र है, फिर आपकी गंगा है 2525 किलोमीटर की, लेकिन गंगा जो है एंटायरली इंडिया में फ्लो करती है, इससे सबसे लंबी है। अदरवाइज तो इंडस तो आपको देखो कहां से, मानसरोवर से होती हुई लद्दाख होती हुई पाकिस्तान होती हुई कराची में जाती ही मिलती है, लेकिन वो इंडिया में फ्लो नहीं करती है इतनी लंबी लंबी, इसलिए हम लोग गंगा को मानते हैं। सबसे बड़ी लेक कौन सी है? वुलर लेक है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब हो गया फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल देखो कुंचिकल फॉल है कर्नाटका का, उसको मानते हैं। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें मल्टीपल आंसर है, कई लोग इसको जोग फॉल मानते हैं, कई लोग इसको नौका लगाई मानते हैं, नौका लगाई फॉल है मेघालय में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डैम का कोई क्राइटेरिया नहीं है उसको नापने का। क्या बोल रहे हो, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है? ऐसी बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो। क्या है इसमें विनीता, जोग फॉल को महात्मा गांधी फॉल से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है कि जो फॉल होता है ना वॉटरफॉल, उसको मेजर करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। कोई मेजर करता है यहां से, कोई मेजर करता है यहां से, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो गिर के आता है,
तो भाई ऊपर से मेजर करना है, एक फॉल से मेजर करना है, कहां से करना है, इसलिए दो तीन जगह पे अलग अलग आंसर है जो कि देखने को मिलते हैं। समझ गए मेरी बात। भारत में टॉलेस्ट स्टैच्यू, इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में यही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का, 100 हॉस्पिटल बन जाते हैं इसके बजट के अंदर। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में हैम्बिस है, जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सबसे बड़ा एरिया है 77,000 किलोमीटर का। सबसे बड़ा हाईवे जो है वो NH-44 है, कश्मीर से कन्याकुमारी। पहले NH-7 हुआ करता था। सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड जो इंडिया के अंदर है वो माजुली आइलैंड है, आसाम में, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। उसको रिवर लाइन आइलैंड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कहते हैं, जो कि किसी नदी के बीच में है। ठीक है, उसी प्रकार से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो तट है वो किसके पास है, गुजरात के पास। सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है इंडिया का वो है धोला सदिया ब्रिज, आसाम से। हाँ, CHSL अभी त्रियोई थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन हो गया है। धोला सदिया ब्रिज की बात करें तो ये आसाम में है। लॉन्गेस्ट टनल, कोई मुझे बताएगा कि ये जो धोला सदिया ब्रिज है कौन सी रिवर के ऊपर है? देखिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर भूपेन हजारिका था ना। अरे भाई, भूपेन हजारिका भी इसी को बोलते हैं। भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो इसी का नाम है। भीम ब्रिज है, आसाम और अरुणाचल को कनेक्ट करता है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने का काम करता है। लोहित के ऊपर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, कितना बड़ा है? 9.15 किलोमीटर का, ये लॉन्गेस्ट है। ये इसके ऊपर से टैंक भी लेके जा सकते हो, है ना, लड़ाई के टाइम पे, इसलिए भी ये बहुत काम का है। चलिए, लोहित, लोही नहीं है, लोहित है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। लॉन्गेस्ट टनल इंडिया में जवाहरलाल नेहरू टनल है जम्मू कश्मीर में। ओके, लॉन्गेस्ट टनल जो है वो और अभी रिसेंटली एक और नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका नाम है चेनानी नर्सरी टनल। चेनानी नर्सरी टनल, ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है जो कि अभी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वैसे तो खैर अभी भी ये वैसे खैर अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। ये भी काफी बड़ा है, मतलब ये है आपका 9.2 किलोमीटर का है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके गाइज, और बताओ। ठीक चलिए आगे बात करते हैं। टॉलेस्ट डैम को लेकर, हाँ
अटल टनल जो है वो तो हिमाचल के अंदर है यार, वो तो अपन ने मनाली से लद्दाख जाने के लिए बीच में बनाया है, समझ गया मेरी बात? देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, अटल टनल जो है वो अलग है, ये हमने क्या किया है, ये हाईएस्ट है, ये हाइट के ऊपर है, बहुत ये आपको मनाली से ले जाने में पहले बहुत टाइम लगता था, उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए बनाया है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, हाईएस्ट है। अटल टनल की बात कर रहे हो ना आप, जिसको रोहतांग टनल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, दोनों अलग-अलग है, समझ गए मेरी बात? पीर पांजल जो रेंज है वहां पे इसको बना रखा है, इसकी भी लेंथ 9.02 किलोमीटर के समवेयर है और 3,000 मीटर से भी ऊपर है। हाँ ठीक है, इतना याद रहेगा। पहले मतलब आप ये मान लो कि 5-6 घंटे का रास्ता कम हो गया, ये मान के चल लो आप कम से कम। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला हो गया। और टॉलेस्ट डैम सबसे ऊंचा कौन सा है? तेरी है, टॉलेस्ट हाईएस्ट है, लार्जेस्ट था पहले वाला, लार्जेस्ट था गया। हाँ सबसे बड़ा था भाखड़ा नांगल, इसको हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, बिगेस्ट डैम था भाखड़ा नांगल। और हाईएस्ट की बात करें, आपका टॉलेस्ट या हाईएस्ट बोल लो आप इसको, वो आपका तेरी डैम हो गया उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, लॉन्गेस्ट लंबा वो है हीराकुंड उड़ीसा के अंदर, बिगेस्ट हो गया भाखड़ा नांगल, हाइट वाला हो गया आपके तेरी, और लॉन्ग वाला हो गया हीराकुंड। सबसे बड़ा गेटवे, हाँ इसको महानदी पे बना रखा है, गेटवे बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, अकबर। हाँ ये फतेहपुर सिकरी के अंदर और भी बहुत चीजें हैं, फतेहपुर सिकरी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज बना रखी है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ फतेहपुर सिकरी के बारे में भी, इम्पोर्टेंट जगह है। क्यों बनाया गया था? मैं कभी फतेहपुर सिकरी नहीं गया, अभी मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस में बहुत कम इंटरेस्ट है। आगरा में इसको 1571 अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, बताओ भाई। और जहांगीर का भी जन्म यहीं पे हुआ था, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे 17 अकबर ने गुजरात के अंदर जब विक्ट्री ली थी, तो उसके बाद जो है तो बनाया था जहांगीर का जो है, उसका जन्म भी जो है ना सलीम का, वो भी यहीं पर ही हुआ था, सीकरी नाम का गांव है यहीं पर ही इसका जन्म है, जो कि 1569 के अंदर हुआ था, सीकरी नाम के एक विलेज के अंदर। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो वैसे खैर इसने काम तो पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गुजरात विक्ट्री जो हुई थी वो 1573 में हुई थी वैसे तो, खैर समझ गए मेरी बात? तो ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि विक्ट्री के बाद ही उसने काम स्टार्ट किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे पहले ही बनाना चालू कर दिया था उसने, जब जहांगीर जिस गाँव में पैदा हुआ था 1569 के अंदर हुआ था, तभी उसने फतेहपुर सिकरी को एक तरीके से रिलीजियस तौर के ऊपर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो वहां पे स्टडी, रिलीजियस स्टडी के तौर पे
जगह को बना रहा था। फिर उसके बाद में जीतने के बाद में वॉल सिटी की उसने शुरुआत करी। ओके, इसके अंदर क्या क्या है? बुलंद दरवाजा। अब इसमें से जो बुलंद दरवाजा है ना, वो इसने गुजरात जीतने के बाद बनवाया है। बुलंद दरवाजा एक्चुअली के अंदर गुजरात की विक्ट्री का सिंबल था। समझ गए मेरी बात? बाकी तो इसने पहले ही बनवा लिया था। फोर्ट वोर्ट तो जो है ना, वो तो इसने पहले ही बनवा लिया था, लेकिन जो दरवाजा है वो गुजरात में जीतने के बाद इसने काम उसका स्टार्ट करवाया। ठीक है, बहुत सबसे बड़ा गेट है मतलब ये। चलिए, इसके अलावा जामा मस्जिद भी है इसी के अंदर। और बताइए, सलीम टॉम भी है, सलीम चिश्ती का। दीवाने आम, दीवाने खास। पहले राजा महाराजा कितने कितने मतलब वो है ना, मजे हुआ करते थे। मतलब हर चीज के लिए अलग अलग चीजें कर रखी है। मतलब पंचमहल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, पंचमहल हो गया। और बताओ, बीरबल हाउस हो गया। और बताओ, नौबत खाना। हिरन मीनार, ये सारी चीजें। एलिफेंट टावर बोलते थे इसको। अकबर का जो एलिफेंट है ना, उसको उसकी याद में इसको बनाया गया था। सोचो, अकबर आदमी ठीक था दिल का, मतलब एलिफेंट के लिए भी कुछ ना कुछ बनवाया मतलब। ठीक है, साथ में बीरबल के तो बनाया, आपको मालूम है काफी फेमस था बीरबल। पंचमहल हो गया, नौबत खाना हो गया, म्यूजिशियंस, ड्रम जो है वो सब यहाँ पे हुआ करते थे इसके अंदर, है ना? ये सब चीजें तो ये सारे के सारे उसी ने बनाए हैं। ठीक है गाइस, चलिए, सबसे बड़ा डेजर्ट इंडिया में, थार डेजर्ट, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया। थार के बारे में एक्चुअली में क्या है कि जैसे ये राजस्थान है, इस तरीके से बीच में से क्या है, अरावली है। क्या होता है कि बारिश इधर से आती है, तो इधर तो बारिश हो जाती है, समझ गए? तो ये तो एकदम ग्रीन एरिया है राजस्थान के अंदर। जो ये वाला एरिया है ना, जैसे कि जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है, यहाँ पे तो आपको बहुत पेड़ पौधे मिलेंगे। जयपुर, भरतपुर, अलवर, आप कभी पाली नहीं गए होंगे, पाली देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हो। कुंभलगढ़ वाला एरिया है ना, राजसमंद ज्वाला जो चित्तौड़ वाला एरिया है ना, भरतपुर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो ये बहुत ही ग्रीन बेल्ट है वाली। लेकिन ये वाला ग्रीन है और ये वाला कैसा है, ड्राई है। यहाँ पे बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ये सब आते हैं, जैसलमेर, यहीं पर ही आपका इंदिरा गांधी कैनाल आता है। इंदिरा गांधी जो नहर है ना, वही है जो कि इस डेजर्ट की प्यास जो कि बुझाते हैं। ये वाला बहुत ग्रीन है। कभी अब आप सर्दियों के टाइम पे राजस्थान आओगे, आप बारिश के टाइम पे आओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान के अंदर हो। राजस्थान की इमेज क्या, नॉर्मल सबको लगता है कि पूरे राजस्थान में डेजर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजस्थान का 50% जो है वेस्टर्न वाला पार्ट वो डेजर्ट में है, ईस्टर्न वाला जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ग्रीन है।
ना? ठीक है, ये हो चुका है सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड भारत में भारत रत्न है। फर्स्ट किसको मिला था? RRR, राधा कृष्ण, राज्य सर्वपल्ली और सीवी रमन। ठीक है, चलिए, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है अपने? परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। तो परमवीर सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट एयरपोर्ट है लद्दाख में, लेह सिटी के अंदर। एक दिन तो आपको रुकना पड़ता है, 4,000 मीटर से भी ऊपर है। ऑक्सीजन नहीं मिलती यहाँ पर आम आदमी को, तो थोड़ा एक दो दिन पहले रुकना पड़ता है, फिर आप घूमने जाते हो। हाईएस्ट टावर है कुतुब मीनार, आपको मैंने पढ़ाया हिस्ट्री में, किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद कंप्लीट करवाई इसने, फिरोज शाह ने। चलिए, लार्जेस्ट बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन, कितने रूम्स होंगे राष्ट्रपति भवन में, आइडिया? राष्ट्रपति भवन जो है अपना, उसमें कितने रूम्स होंगे? ₹340 है। राष्ट्रपति लार्जेस्ट म्यूजियम की बात करें तो नेशनल म्यूजियम हो गया, कोलकाता में है सबसे बड़ा म्यूजियम। हाईएस्ट एयरपोर्ट बंगाल में नहीं है। लार्जेस्ट केव जो है वो अमरनाथ केव है, पॉपुलेशन से यूपी। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है चिलिका लेक, उड़ीसा के अंदर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है यमुना, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना, बहुत ही बढ़िया है। टॉलेस्ट बिल्डिंग है इंपीरियल टावर मुंबई में, टॉलेस्ट बिल्डिंग है इंपीरियल टावर, कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ठीक है, और ट्विन बने हुए, दो बिल्डिंग, दो टावर बने हुए मुंबई के अंदर, इसको हफीज करके है, उसके द्वारा बनाया गया है। ऐसे दो टावर दिखेंगे कभी मुंबई जाओगे तो। ठीक है, साउथ मुंबई के अंदर है और काफी टॉलेस्ट है। पहले तो कह रही ये थी, लेकिन अभी इंपीरियल टावर नहीं है, अभी तो वर्ल्ड वन करके एक और बनी है, उसमें 76 फ्लोर है। पहले तो इंपीरियल थी, अभी नहीं है, अभी तो वर्ल्ड वन करके है। हाईएस्ट जो है ना मुंबई के अंदर ही है वर्ल्ड वन, 76 फ्लोर है उसमें। और दुनिया की सबसे कौन सी बुर्ज खलीफा जिसमें कितने हैं? 186 फ्लोर, डबल है ऑलमोस्ट। ये 280 मीटर की है वर्ल्ड वन बुर्ज खलीफा, कोई 850 950 मीटर की है। बुर्ज खलीफा को घूमने के लिए ₹16,000 लगते हैं, खलीफा में ऊपर तक जाने के लिए। 157 फ्लोर तक आप जा सकते हो बुर्ज खलीफा में, इसके लिए 8,000 रुपये, सॉरी, ₹8,000 का टिकट है जो कि लगता है। और मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर जो लिफ्ट है ना, आपको इतना ऊपर ले जाती है, बादल के ऊपर है, मतलब बादल के ऊपर है, मतलब ऐसा होगा कि जब आप 157 फ्लोर पे खड़े होंगे ना आप, तो नीचे बादल होंगे। अब मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ऊंचा है, बहुत ही खतरनाक बना रखा है, मतलब। ठीक है, तो सारे जो टॉप 10 बिल्डिंग है इंडिया की, वो सारी बॉम्बे के अंदर ही है। एक कोलकाता के अंदर है, द 42 करके, बाकी सारी बॉम्बे के अंदर है। ठीक है, आगे बात करें, बस हो गया, यही था, यही था, और तो क्या। ठीक है गाइस, तो ये आपके हाईएस्ट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट भी पूरे,
हो चुके हैं, होपफुली आपको कवर हो गए होंगे, समझ में आ गया सबको। ठीक है गाइस, तो कल वापस मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। कल वापस से दो टॉपिक करेंगे, 22वां 23वां और 24वां टॉपिक है जो कि कल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।